बाल चौपाल बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपके साथ हूँ आपकी गीता दीदी। आज आप सुनेंगे अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग के जीवन संघर्ष की दास्तान। इसे लिखा है डेविड एडलर ने और चित्रांकन है रोबर्टा का और हिंदी अनुवाद किया है विदुषक ने। तो आइए सुनते हैं कहानी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के महान लीडरों में से एक थे। वो एक ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने उन कानूनों की जोरदार खिलाफत की जो अश्वेत लोगों को स्कूलों और नौकरियों से बाहर रखते थे। उन्होंने नाजायज कानूनों के विरोध में मोर्चे निकाले और सभी लोगों के लिए न्यायसंगत कानूनों की मांग की। मार्टिन लूथर किंग का जन्म जनवरी 15, 1929 को अटलांटा जॉर्जिया में हुआ। उनके पिता एक पादरी थे। उनकी माँ ने बहुत समय तक स्कूल में पढ़ाया। मार्टिन की एक बहन थी विली क्रिस्टीन और एक छोटा भाई था अल्फ्रेड डेनियल। युवा मार्टिन को बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के खेल पसंद थे। उसे साइकिल चलाने में और गाने का भी शौक था। मार्टिन अक्सर पिता के चर्च में गाया करता था। युवा मार्टिन पिछवाड़े में अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक दिन उसे बताया गया कि उसके दो दोस्त अब उसके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि वे गोरे थे और वो काला। ये सुनकर मार्टिन रोने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि भला उसकी चमड़ी के रंग से किसी को क्या फर्क पड़ता है। मार्टिन की माँ ने उसे बताया कि बहुत पहले अश्वेत लोगों को हथकड़ियाँ डालकर अमेरिका लाया गया था, फिर उन्हें गुलामों जैसे बेचा गया था। माँ ने ये भी बताया कि मार्टिन के जन्म से बहुत पहले ही गुलाम आजाद हो गए थे। अश्वेतों के आजाद होने के बाद भी कुछ लोग अभी भी उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं करते थे। मार्टिन के शहर अटलांटा और पूरे अमेरिका में जगह जगह सिर्फ गोरों के लिए साइन बोर्ड लगे थे। अश्वेत लोग कुछ पार्क, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, होटलों और स्कूलों में घुस तक नहीं सकते थे। अश्वेत लोग तमाम नौकरियों से वंचित थे। स्कूल जाने से पहले ही मार्टिन ने घर पर पढ़ना लिखना बचपन में ही सीख लिया। उन्होंने अश्वेत लीडरों के बारे में सारी किताबें पढ़ डाली। मार्टिन पढ़ाई में बहुत तेज थे। उसने 2 साल पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। अटलांटा के मोर हाउस कॉलेज में दाखिला लेते वक्त वो सिर्फ 15 साल का था। कॉलेज में मार्टिन ने चर्च का पादरी बनने का निश्चय किया। मोर हाउस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद मार्टिन ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। वहाँ पढ़ते हुए उनकी मुलाकात कोरिटा स्कॉट से हुई। वो एक संगीत शिक्षिका थी। दोनों में प्रेम हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। 1954 में मार्टिन लूथर किंग ने एक पादरी की हैसियत से मोंटगोमेरी अलाबामा में अपनी पहली नौकरी शुरू की। अगले ही साल एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स को मोंटगोमेरी में गिरफ्तार किया गया। पता है क्यों? वो बस में सिर्फ गोरों के लिए वाले हिस्से के पीछे बैठी थी। जब सब सीटें भर गईं तब ड्राइवर ने रोजा पार्क से उठने को कहा जिससे कि एक गोरा आदमी उस सीट पर बैठ सके। रोजा पार्क्स ने ये करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस अन्याय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे शहर में अश्वेत लोगों ने पब्लिक बसों का बहिष्कार किया। डॉक्टर किंग ने कहा, एक ऐसा भी समय आता है जब लोग ठोकर खा खा कर परेशान हो जाते हैं। एक रात जब डॉक्टर किंग बाहर एक मीटिंग में भाषण देने गए थे तब किसी ने उनके घर के अंदर एक बम फेंक दिया। मार्टिन के समर्थक इससे बहुत नाराज और गुस्सा हुए।
पर मार्टिन ने उनसे शांति से घर जाने को कहा। हमें अपने गोरे भाइयों से भी प्रेम करना चाहिए, उन्होंने कहा। हमें नफरत को प्रेम से निपटाना चाहिए। पब्लिक बसों के खिलाफ विरोध लगभग साल भर चला। आंदोलन तब खत्म हुआ जब बसों से सिर्फ गोरों के लिए वाले साइन बोर्ड हटाए गए। 1960 में डॉक्टर किंग ने एटलांटा वापस आने का निर्णय किया। वहाँ वो सिर्फ गोरों के लिए सुरक्षित वेटिंग रूम, शौचालयों और होटलों के खिलाफ शांति से विरोध करते रहे। उन्होंने मुक्ति और आजादी के लिए कई मोर्चे और प्रदर्शन किए। 1963 में डॉक्टर किंग ने एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। वाशिंगटन मोर्चा, इस जुलूस में 2,00,000 से अधिक अश्वेत और गोरे लोग उनके पीछे पीछे चले। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों बच्चे एक ऐसे देश में सांस लें जहां उनका मूल्यांकन उनकी चमड़ी के रंग की बजाय उनके चरित्र के आधार पर हो। अगले साल 1964 में डॉक्टर किंग को दुनिया के सबसे महान पुरस्कार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। देश बदल रहा था, नए कानून बन रहे थे। अब अश्वेत बच्चे भी गोरे बच्चों के स्कूलों में जा सकते थे। अश्वेत लोग अब सिर्फ गोरों के लिए सुरक्षित दुकानों, रेस्टोरेंट और होटलों में भी प्रवेश कर सकते थे। सिर्फ गोरों के लिए वाले साइन बोर्ड लगाना अब गैर कानूनी था। डॉक्टर किंग ने अपने समर्थकों से हमेशा शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की, पर उसके बावजूद कहीं कहीं दंगे भी हुए और हिंसा भी फैली। अप्रैल 1968 में डॉक्टर किंग मैकफिस टेनेसी गए। वो वहाँ एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे जिससे कि अश्वेत सफाई कर्मचारियों को भी उसी काम के लिए गोरे कर्मचारियों जितनी ही तनख्वाह मिले। अप्रैल 4 को डॉक्टर किंग अपने मोटेल के कमरे के सामने खड़े थे। पास में ही एक आदमी जेम्स अर्ले छिपा था। उस आदमी ने डॉक्टर किंग की ओर अपनी राइफल से निशाना साधा और फिर बंदूक चलाई। एक घंटे के अंदर डॉक्टर किंग का देहांत हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक ऐसी दुनिया का सपना संजोया जो नफरत, पूर्वाग्रहों और हिंसा से मुक्त हो। उनकी कब्र के पत्थर में यह शब्द अंकित है, अब मैं मुक्त हूँ। तो बच्चों, ये थी अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग के जीवन की कहानी, जिसे लिखा था डेविड एडलर ने। हिंदी अनुवाद था विदुषक का और इसके चित्र बनाए हैं रुबार्टा ने। इसे हमने साभार लिया है epustakalay.com से। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।